तो आइए हम बात करते हैं संगीत पारिजात अहोबल की। ये भारतीय संगीत के इतिहास में आते हैं, उत्तर मध्य काल के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपका पार्ट टू में ही आएगा, उत्तर भारतीय संगीत का इतिहास पार्ट टू के अंतर्गत ही ये भी आएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक नहीं होता, इसलिए मैं इसको थोड़े थोड़े में बना रही हूँ। तो इसमें क्या है कि संगीत पारिजात अहोबल का जो है, इसमें सात शुद्ध स्वर, सात कितने, सात शुद्ध स्वर, कितने, सात शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर। ओके, सात शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर, टोटल कितने हो गए, 29, यानी 29। अगर आप 22 + 7 इक्वल कितना आएगा पता ही है आपको, 22 + 7 इक्वल 29। ओके, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या किया गया, किंतु राग अध्याय में 12 स्वरों का ही प्रयोग किया गया। ऐसे तो उन्होंने 22 विकृत स्वर, 7 शुद्ध स्वर लिए, लेकिन उन्होंने राग जब अध्याय यानी कि लेसन जब बनाया तो उसमें केवल 12 स्वरों का ही प्रयोग किया। और क्या किया इन्होंने, इसमें यह भी बताया गया कि संगीत पारिजात ग्रंथ 1650 में अहोबल द्वारा लिखा गया है, सभी को पता ही होगा। और उसके बाद क्या हुआ, दीवानाथ ने बाद में इसका अनुवाद किया। किसने, दीवानाथ ने इसका क्या किया, अनुवाद किया। और उसके बाद इसमें उन्होंने कुछ स्वरों के लिए एक से अधिक नाम प्रयोग किए, जैसे कि कर्नाटकी संगीत में क्या होता है, साधारण गंधार, अंतर गंधार, कैशिकी निषाद, काकली निषाद, है ना, मतलब कई नाम होते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने भी क्या किया, एक एक स्वरों के कई नाम दिए, इसीलिए इनके 22 + 7 इक्वल 29 स्वर हुए। ठीक है, दीनानाथ ने इसका अनुवाद किया और 12 जब लेसन हुआ तो इन्होंने कितना, 12 स्वरों की स्थापना का इन्होंने प्रयोग किया, कितने, 12 स्वरों की स्थापना के इन्होंने प्रयोग किया। और इसके बाद क्या किया, संगीत पारिजात का शुद्ध सप्तक और उत्तर भारतीय संगीत पारिजात का शुद्ध सप्तक और उत्तर भारत के काफी, दक्षिण भारत के खरहर प्रिय काफी थाट के समान है। औरंगजेब का जो समय है वो क्या है, 1657 से 1670। औरंगजेब संगीत का कट्टर विरोधी था। जिन लोगों ने सम्राट के भय से संगीत छोड़ दिया था उन्हें राज्य की ओर से क्या दी गई, पेंशन दी गई। और उसके बाद इस काल के कुछ ग्रंथों की रचना हुई जो इस प्रकार है, कौन कौन से, चतुर्दंडी प्रकाशिका कब की है, 1660 की। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो कब की है, तो 1660 की। क्या, चतुर्दंडी प्रकाशिका, चतुर्दंडी चतुर्दंडी प्रकाशिका क्या है, 1660। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो 1660 की जो है रचना है, जो दक्षिणी संगीता के पंडित वेंकट मखी के द्वारा लिखा गया। अगर ये पूछा जाता है कि इसके जो संगीतज्ञ थे उत्तरी संगीतज्ञ थे या दक्षिणी, इसकी रचनाकार जिसने इसकी रचना की, जैसे चतुर्दंडी प्रकाशिका रचना है तो इसके जो रचनाकार है वेंकट मखी, तो ये कहाँ के हैं, उत्तर भारत के हैं दक्षिण भारत के, तो आप बताएंगे दक्षिण भारत। तो 1660 में दक्षिण के संगीतज्ञ पंडित वेंकट मखी द्वारा ये लिखा गया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उस समय के सप्तक से अधिक 72 थाटों की रचना हो सकती है। उन्होंने क्या सिद्ध किया, अधिक से अधिक 72 थाटों की रचना, सप्तक से अधिक 72 थाटों की रचना, 72
बहत्तर थाटों की रचना, ओके, बहत्तर थाटों की रचना हो सकती थी, तथा एक थाट से कुल कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं, 484। एक थाट से एक एक थाट से 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, एक राग से 484 जो है राग उत्पन्न हो सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भावभट्ट की बात की जा रही है, व्यंकटमखी का आपको समझ में आ गया होगा, 1660 में इनकी रचना है, ये दक्षिण के संगीतज्ञ हैं और इन्होंने चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है इन्होंने रचना की, और इन्होंने सिद्ध किया कि अधिक से अधिक 72 थाटों से जो है रचना हो सकती है, अधिक से अधिक 72 थाटों की रचना हो सकती है, उसके बाद एक थाट से कुल 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, यानी उसमें 70 से अधिक 72 थाटों की रचना हो सकती है, तथा एक थाट से कुल 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं। भावभट्ट, इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे, भावभट्ट जो थे उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, तीन ग्रंथ, भावभट्ट जो थे इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ, भावभट्ट तीन ग्रंथ लिखे, तीन ग्रंथ लिखे, पहला क्या है, अनूप संगीत, अनूप संगीत रत्नाकर, सॉरी अनूप संगीत रत्नाकर, दूसरा क्या है, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीतानुकुश, अनूप संगीतानुकुश, भावभट्ट की रचना है अनूप संगीत विलास, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीतानुकुश, थर्ड देख लीजिए, अनूप संगीतानुकुश, अनूप संगीतानुकुश, ओके, तो ये तीन रचना थी, अनूप संगीत भावभट्ट के समय में, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत अंकुश, ओके। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीले की बात आ रही है, तो मोहम्मद शाह रंगीले के समय मैंने बताया था सदारंग नदारंग गुलाम नबी शोरी, इतने ही लोग आ रहे हैं, और इसमें गुलाम नबी शोरी ने क्या किया था, टप्पे गायकी का प्रचार किया था, ठीक है, टप्पा मतलब एक उछलता कूदता हुआ गाना सॉन्ग, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों का राज्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीले का जो समय है वो 1719 से 1748 माना जाता है, तो यानी कि अब यह संगीत का बड़ा प्रेमी था, उनके दरबार में सदारंग अदारंग दो प्रमुख गायक थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मोहम्मद शाह रंगीले के समय में कौन से दो प्रमुख गायक थे, तो सदारंग और अदारंग, जिनके ख्याल आज भी प्रचुरता से मिलते हैं। अभी कोई बंदिश गाइए तो देखिए उसमें होता है मोहम्मद सादा मीनी से, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है, सदारंगीले अदारंगीले, ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है, तो इनके जो ख्याल आज भी प्रचुरता से प्रचलित थे। लगभग इसी समय में क्या हुआ था, शोरी मियां टप्पे का आविष्कार किए थे, और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों का राज्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा,
और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था, केवल रियासतों की संघीय साधना चलती रही, यानी कि जो मुस्लिम का जो वो था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और क्या हुआ उसके बाद, राज धीरे धीरे समाप्त होने लगा और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था, केवल रियासतों की संघीय साधना चली गई, संघीय साधना चलती रही, मुसलमान राज्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा और किसकी रियासतें बढ़ने लगी, किसका प्रभुत्व बढ़ने लगा, अंग्रेजों का, मुसलमान जाने लगे, मुसलमान का क्या हुआ, राज्य धीरे धीरे समाप्त हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त हुआ और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, मुसलमान राज धीरे धीरे समाप्त हुआ और अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। ओके, इसके बाद देखिए, अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। अब आइए हम बात करते हैं आधुनिक संगीत की। तो आधुनिक संगीत में क्या क्या हुआ, सन 1947 में स्वाधीनता के बाद देश ने अंगड़ाली ली, 150 वर्षों की गुलामी की सारी श्रृंखलाएं एक साथ टूट गई, यानी कि इतने दिन से लगातार जो इनके ऊपर गुलामी चल रही थी वो एक ही बार में सब टूट गया। कितने वर्षों बाद, 150 वर्षों बाद, 150 वर्षों बाद, ओके, 150 वर्षों बाद क्या हुआ, गुलामी की सारी श्रृंखलाएं एक साथ टूट गई, जनता में नई कल्पनाओं एवं नए विचारों ने जन्म लिया, यानी कि जो जनता थी उनमें क्या था, एक नई भावना आई, नई अपनी सोच आई, नए विचार आए, इनका जन्म हुआ। परतंत्रता के दिनों में हमारे इस सांस्कृतिक निधि की ओर ध्यान नहीं दिया गया, मतलब इस समय क्या था कि ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आज भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनरुत्थान के प्रति सबसे अधिक जागरूक भारतीय आकाशवाणी को पाते हैं, यानी कि जो आज का जो समय है, मतलब देखा जाए कि भारत में शास्त्रीय संगीत का जो पुनरुत्थान हुआ, उसका विकास हुआ, वो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका सबसे बड़ा योगदान रहा आकाशवाणी का, किसका, आकाशवाणी का, ओके, तो आकाशवाणी का जो है बहुत ही योगदान रहा। आकाशवाणी से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न धाराएं एक नियोजित क्रम में प्रसारित होती हैं। कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत स्कूलों में रागों के साम्य से संबंधित संगीत सम्मेलन इस दिशा में किए गए आकाशवाणी के कई प्रयास हैं। जैसे कर्नाटक और हिंदुस्तानी जो संगीत का स्कूल है उसमें जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो सब आकाशवाणी पहले जो है इसका संरक्षण कर चुका था। उसी का नतीजा है कि जो आज ये लोग भी कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। उस समय क्या था, देखिए, तानसेन त्यागराज, यानी कि त्यागराज तथा तानसेन जैसे संगीतज्ञों की स्मृतियों में वार्षिकोत्सव का आयोजन तथा कर्नाटक एवं हिंदुस्तानी दोनों ही संगीत स्कूलों में प्रमुख गायकों तथा वादकों के कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहने का प्रसार भारती का कार्य भी शास्त्रीय संगीत की सुरक्षा एवं प्रसार के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की एक कड़ी है। सीधी सी बात कहा जा सकता है कि जो भी जैसे त्यागराज हो, तानसेन हो, बड़े बड़े संगीतज्ञ, इन सबके जो भी वार्षिकोत्सव या जो भी महोत्सव जो भी होता है इनके बारे में, ये सब अभी देखिए, ये सब आकाशवाणी इसका बहुत ही योगदान दे रहा है। तो आकाशवाणी का जो है बहुत ही योगदान है, पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं। और भारत के सांगीतिक पुनरुत्थान के प्रति जागरूक संस्थाओं में संगीत नाटक एकेडमी का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। जो संगीत नाटक एकेडमी है उसका भी विशेष उल्लेख है, उसने मतलब संगीत नाटक एकेडमी से भी संगीत को काफ़ी
संरक्षण मिला है किसका? संगीत नाटक एकेडमी से, संगीत नाटक अकादमी। ओके, एक तो ये लखनऊ में है और एक दिल्ली में है, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता था? कलाकारों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संगीत नाटक एकेडमी में क्या होता है कि इसके द्वारा जो भी जितने भी आर्टिस्ट अच्छी जो भूमिका निभाते हैं उन कलाकारों को जो है पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वाधीनता के पूर्व भारत के कुछ ही विश्वविद्यालयों ने संगीत को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था। मतलब स्वाधीनता के पूर्व कुछ ही यूनिवर्सिटीज जो थी वो म्यूजिक को अपने कोर्स में रखती थी पाठ्यक्रम में। ओके, इससे उन संगीत प्रेमियों को यह लाभ हुआ कि वह अब नियमित रूप से संगीत सीख सकेंगे। अब जो भी इंटरेस्टेड है वो वहाँ जाके सीख सकेंगे, ये इतना लाभ हुआ। उसके बाद भारत की वाद्य वृंद परंपरा जो विदेशी शासकों के समय में मृत हो चुकी थी, भारत की जो वाद्य वृंद परंपरा जो विदेश के शासकों के समय में मृत हो चुकी थी, अब आकाशवाणी के केंद्रों द्वारा पुनः उत्थान की ओर अग्रसर हो रही है। कहने का मतलब है कि अब क्या है, आकाशवाणी के द्वारा जो भारत में वाद्य वृंद परंपरा थी जो खत्म हो चुकी थी विदेशी शासकों के समय में, तो अब ये आकाशवाणी के द्वारा जो है फिर से अग्रसर हो रही है, यानी फिर से बढ़ रही है। ठीक है, अब आकाशवाणी के केंद्रों द्वारा पुनः उत्थान की ओर अग्रसर हो रही है। पंडित रविशंकर जी द्वारा यूरोप के लगभग समस्त देशों में प्रमुख नगरों में हिंदुस्तानी संगीत के स्कूलों का स्थापित हो जाना इस काल के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि अब संगीत का स्कूल भी धीरे धीरे खुलने लगा। अब संगीत नाटक एकेडमी का गठन कब हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका UGC नेट JRF DSSSB NVS KVS TGT PGT LT GIC जो भी आपका म्यूजिक का पेपर होता है मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। क्या है, 1953 में, 1953 में क्या हुआ, संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक अकादमी, का गठन हुआ। ओके, संगीत नाटक एकेडमी का गठन हुआ, यानी कि 1953 में संगीत नाटक एकेडमी का जो है स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। इसमें 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। ओके, कब हुई थी, 1954 में, 1954 में जो है ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। संगीत के उत्थान के लिए आकाशवाणी ने राष्ट्रीय कार्यक्रम 1952 से प्रसारित करना शुरू किया, यानी कि 1952 में भारत सरकार ने श्रेष्ठ व योग्य संगीतज्ञों को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियों व पुरस्कारों से सम्मानित करना शुरू किया 1952 में। कब से, 1952 में। ओके, 1952 में क्या किया, गवर्नमेंट ने 1952 में पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि जो भी आर्टिस्ट थे उनको भारत सरकार के द्वारा उनको सम्मान दिया गया। अब ये टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स हम बनाते हुए आपको वीडियो देंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िए,
एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार इसको देखिए, समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। इसको याद करिए, नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए सभी को बाय बाय, नमस्कार।